कोरोना वायरस को लेकर कुछ मुद्दों पर मैं आपके सामने अपना पक्ष रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस प्रतिबद्धता के साथ अपने अपने राज्यों में कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए जितने ठोस कदम उठाए हैं, इसकी प्रशंसा करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। दोस्तों, मैं मीडिया परिवार से हूं। मीडिया में जितने हमारे साथी काम कर रहे हैं, चाहे वो रिपोर्टर हों, चाहे एडिटोरियल पार्ट में हों, चाहे प्रोडक्शन में हों, चाहे अखबारों के वितरण में हों, चाहे रिपोर्टिंग में हों, ये सारा का सारा संपूर्ण परिवार मीडिया का एक परिवार है। इस वक्त हमें इसकी चिंता ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, आज यह दुखद खबर मिली कि इंदौर के दैनिक भास्कर अखबार के डीबी स्टार के न्यूज़ एडिटर देवी कुंडल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जब मेरी देवी कुंडल से बात हुई तो उन्होंने कहा, घबराए हुए अंदाज से कहा कि कोई इंतज़ाम नहीं है, ना तो कमरे का इंतज़ाम है, ना तो ठीक ठाक से कोई सुरक्षा का इंतज़ाम है, कोई व्यवस्था नहीं है, मच्छरों से परेशान है वो। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दोनों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि मीडिया परिवारों के लिए विशेष व्यवस्था स्थापित की जाए इस वक्त, क्योंकि पुलिस, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, इनके साथ मीडिया के हमारे साथी दिन रात काम पर जुटे हुए हैं। कोई मैदान पर जाकर काम कर रहा है, तो कोई दफ्तर पर जाकर काम कर रहा है, या कोई घर से काम कर रहा है, लेकिन किसी न किसी रूप में पाठकों तक सही खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहा है। मैं एक सूचना और देना चाहता हूं। देवास में हाकरों के कारण काफी लोग क्वारंटाइन में गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री जी, भोपाल और इंदौर एक संवेदनशील इलाका है, जिला है, आपने पूरी तरह सील कर दिया है, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा, ये आपने कड़े निर्देश दिए हैं। ऐसे वक्त में हमारे गरीब हाकर अपनी जान पर खेलकर अपने परिवार को भी खतरे में डालकर अखबारों के वितरण के लिए बाहर निकल रहे हैं। ये अखबार 10 हाथों से गुजर रहा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इन अखबारों में कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं फैलेगा। मेरा विनम्र अनुरोध है, आप दोनों मुख्यमंत्री अखबार के मालिकों को यह सुझाव दें कि जब तक प्रधानमंत्री के निर्देश पर 3 मई तक कोरोना लॉकडाउन है, कोरोना को लेकर लॉकडाउन किया गया है, तब तक अखबारों का वितरण रोका जाए। यदि दैनिक भास्कर के मालिक और दैनिक पत्रिका के मालिक मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे निवास E8/18 चार इमली भोपाल में कल से पत्रिका और भास्कर का वितरण मेरे निवास पर ना करें। अपने हाकर से, अपने वितरक से कहें कि मेरे निवास पर इसलिए ना करें
क्योंकि मुझे संदेह है कि ड्रॉपलेट के साथ ये अखबारों का वितरण यदि मेरे निवास के अंदर आया तो मैं संक्रमित हो सकता हूँ। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। आपने आईफा का 700 करोड़ रुपए और विभिन्न अलग अलग मदों से आने वाले राशि, वो भी 600-700 करोड़ से कम नहीं होगा, उसको आपने कोरोना वायरस संक्रमण के साथ जंग जीतने में लगाने का फैसला किया होगा। लेकिन इस जंग जीतने के आड़ में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कोई ऐसे चूक से ना गुजर जाए जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगे, इसकी यदि आपने प्रतिदिन हिसाब मांगना प्रारंभ कर दिया तो शायद भ्रष्टाचार के आरोपों से बचा जाएगा। मैंने स्वास्थ्य आयुक्त प्रमुख सचिव फैज़ अहमद किदवई से यह जानकारी लेने की कोशिश की कि किदवई साहब, अभी तक कितने पीपीई किट खरीदे गए, कितने टेस्ट कराने के लिए इक्विपमेंट्स खरीदे गए, कितने जिलों में सप्लाई हुई, कितने का वहाँ उपयोग किया गया, क्या इसकी जानकारी प्रतिदिन हर ज़िले की आपके पास उपलब्ध है? तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया, हमारा काम खरीद कर जिलों को देना है, बाकी ये जिलों की जिम्मेदारी है कि वो अपडेट करें। मतलब कहीं ना कहीं चूक की गुंजाइश बनी हुई है, तो कृपापूर्वक यदि आप कोरोना संक्रमण में जिस दृढ़ संकल्प बद्धता से आप काम कर रहे हैं, वहाँ इस तरह का संकीर्ण आरोप कोई राजनेता ना लगा सके कि कोरोना के आड़ में मध्य प्रदेश सरकार ने या छत्तीसगढ़ सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, तो इससे बचने के लिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि प्रतिदिन का लेखा जोखा, कितना किट खरीदा गया, कितने सैनिटाइज़र खरीदे गए, कितने टेस्टिंग आइटम खरीदे गए, इसका प्रतिदिन का जिलेवार कितना उपयोग किया गया, उसका हिसाब यदि आप रख सकेंगे तो बेहतर होगा। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि संपूर्ण लॉकडाउन के पालन में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे, इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। जय हिंद। देख रहे हैं दखल न्यूज़।